फिलहाल डॉक्टर साहब दर्शक हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। हेलो। हेलो जी, डॉक्टर साहब से जी, बात जी, जी जी मैं श्रेया बात कर रही हूँ मेरठ से। जी बोलिए। जी 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 डॉक्टर साहब, मैंने अपनी मम्मी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनको 12 साल से डायबिटीज है। जी जी, उनकी उम्र 61 है और हफ्ते में 2 बार उनका डायलिसिस कराना पड़ता है। जी जी, तो उनकी जो हालत है उसको देखते हुए डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, तो क्या कोई ऐसा है कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट ना करानी पड़े और वो ठीक हो जाएं? जी, आप जो इनके रिपोर्ट्स आप कह रहे हैं, आपकी मम्मी की रिपोर्ट आप पहले आप हमारे पास भेज दें तो डॉक्टर्स एक्सपर्ट डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से ये बोलूँगा कि अगर इनका क्रिएटिनिन 5 के अंदर है, यूरिया 100 के अंदर है, तो बहुत जो है चांसेस ये हैं कि यूनानी हर्बल मेडिसिन से इनका इलाज हो जाए, डायलिसिस इनका कैंसिल हो जाए, ट्रांसप्लांटेशन करने की नौबत ना पड़े। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इनिशियल स्टेज में यूनानी हर्बल मेडिसिंस लेते हैं तो इनको उस किडनी फेलियर की नौबत ही नहीं आती, उनको वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी जी। तो हम क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज में बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिंस लेते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और बाद में धीरे धीरे जो है किडनी डैमेज होने के बाद परेशान होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि डायबिटीज़ का भी इलाज यूनानी हर्बल मेडिसिंस में है जो वो जड़ से ख़त्म कर देती है और डायलिसिस से भी बच सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले डायलिसिस कर लें और फिर जो है आपने रिपोर्ट भेजें और धीरे धीरे हमारी मेडिसिंस खाने के बाद डायलिसिस को बंद कर देंगे।